हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहाज डिलाइट्स। आज हम बनाएंगे हाई प्रोटीन एंड हाई फाइबर मूंग दाल एंड ओट्स डोसा, जो कि एक परफेक्ट रेसिपी है ब्रेकफास्ट के लिए। साथ ही आप इस डोसा रेसिपी को अपने वेट लॉस डाइट में भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये प्रोटीन डोसा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल लिया है। इसमें मैंने एक कप के करीब हरी मूंग दाल ऐड की है। इसमें हम पानी डाल के इसे अच्छे से धो लेंगे। दो से तीन बार इसे धोना बहुत ही जरूरी है, ताकि क्या इसकी गंदगी सारी निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे दो तीन बार अच्छे से धो लिया है। इसका हम पानी निकाल देंगे। ये पानी निकाल दिया मैंने यहाँ पर। ये दाल हमारे बिल्कुल साफ है। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे ढककर दो घंटे के लिए ऐसे ही सोक होने देंगे। अगर आपको ये डोसा अर्ली मॉर्निंग बनाना है तो आप दाल को ओवरनाइट भी सोक कर सकते हो। तो दो घंटे बाद ये हम चेक कर लेंगे, हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से भीग गई है। इसके छिलके भी अलग हो चुके हैं। ये दाल के छिलकों में फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ये पानी हम निकाल लेंगे और ये हमारी भीगी हुई दाल को हम मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर देंगे। दाल के साथ मैंने यहाँ पर आधा कप के करीब ओट्स का पाउडर लिया हुआ है। ओट्स को मैंने बस मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। तो ये आधा कप के करीब ओट्स का पाउडर मैंने लिया यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च ली है, एक इंच टुकड़ा अदरक का, और दो से तीन हरी मिर्ची आप ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार हम यहाँ पर नमक डालेंगे। साथ ही थोड़े से पुदीने के पत्ते हम डालेंगे और थोड़ी सी धनिया भी हम ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, पुदीना और धनिया से थोड़ा सा इसमें ग्रीन कलर बहुत अच्छा आएगा। तो इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। ये हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से पीस चुकी है। फ्रेंड्स, क्योंकि हम इस बैटर से डोसा बनाने वाले हैं, तो ध्यान दें कि इसे बिल्कुल महीन पीसना है, ताकि हमारा डोसा अच्छे से पैन में फैले। अब ये डोसा बैटर को हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर जार को अच्छे से साफ कर लेंगे। कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देंगे। खैर, चेक कर लेते हैं हमारी कंसिस्टेंसी। मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और फिर अब चेक करते हैं फिर से। तो ये हमारा पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर डोसा के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं डोसा। यहाँ पर हमारा पैन बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो जैसे हम डोसा बनाते हैं वैसे हम थोड़ा सा बैटर पैन में रखेंगे और लडल से घुमाते हुए डोसा रेडी कर लेंगे। अगर आपको डोसा बनाने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इसी बैटर से छोटे छोटे पैनकेक भी बना सकते हैं। तो जैसे ही ये डोसा एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा, हम इस पे थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। बस थोड़ा सा घी ऐड करना, बहुत ज्यादा नहीं करना है। आप चाहो तो यहाँ पे ऑयल भी यूज कर सकते हो और इसे हम पलट देंगे। ये दूसरी साइड हमें बस 30-40 सेकेंड तक ही पकानी होगी। तो ये हमारा डोसा दूसरी तरफ भी पक गया है, हम इसे पलट लेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा स्टफिंग ऐड करने वाले हैं डोसे में। तो उसके लिए सबसे पहले हम थोड़े से अनियन स्प्रिंकल करेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐड करूंगी थोड़ी सी गाजर, जो मैंने ग्रेट कर ली है। आप यहाँ पर अपनी मन पसंद की कोई भी सब्जी ऐड कर सकते हो। साथ ही मैं यहाँ पर ग्रेटेड पनीर ऐड कर रही हूँ।
पनीर भी एक ग्रेट सोर्स है प्रोटीन का। सबसे लास्ट में हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, क्योंकि सब्जियों में मैंने यहाँ पर कोई भी सॉल्ट ऐड नहीं किया था, तो थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा एक प्रोटीन डोसा बनकर रेडी है, इसे हम प्लेट में निकाल देंगे। ऐसे ही एक और डोसा हम रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये डाला यहाँ पर बैटर और घुमाते हुए इसका हम डोसा रेडी कर लेंगे। तो ये हमारा डोसा यहाँ पर रेडी हो गया। जैसे ही डोसा के नीचे की साइड थोड़ी सी सिक जाएगी, हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा घी अप्लाई करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर ऑयल भी आप स्प्रेड कर सकते हो। तो ये हमने घी अप्लाई कर लिया यहाँ पर, इसे हम अब पलट देंगे और दूसरी तरफ 30-40 सेकेंड तक कुक कर लेंगे। तो ये साइड भी हमारी सिक चुकी है, इसे हम फिर से पलट देंगे। यहाँ पर हम हमारी टॉपिंग की सब्जियां ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अनियन स्प्रिंकल कर रही हूँ, साथ ही थोड़ी सी गाजर और लास्ट में ग्रेटेड पनीर। आप चाहो तो यहाँ पर चीज भी ऐड कर सकते हो, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और हमारा ये डोसा भी बिल्कुल तैयार है। सेम तरीके से इसे भी हम फोल्ड कर लेंगे और प्लेट में निकाल देंगे। तो ये यहाँ पर डोसा हमारा बिल्कुल तैयार है, फुल ऑफ प्रोटीन एंड फुल ऑफ फाइबर। चले इसे सर्व करते हैं। आज ये डोसा मैंने ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो कोकोनट चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हो, ये उतना ही टेस्टी लगेगा। तो एक डोसे को मैंने बीच में से यहाँ पर काट के सर्व किया है। ये देखिए, बिल्कुल लग रहा है ना कलरफुल और टेंटिंग। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।